गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं देवेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। इसके अलावा टैलेंट एजुकेशन पॉइंट की तरफ से मैं आप सबको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इन्हीं सभी बातों के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा का टॉपिक, जो प्लस वन के चैप्टर के ऊपर आधारित है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विद इंटरेस्टिंग टाइम। आज हम इस पीरियड में डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी प्लस वन क्लास का चैप्टर है, जिसका नाम है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड इस चैप्टर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनके जिस इस चैप्टर के जो आपके राइटर हैं वो है अमिताभ घोष। इसमें जो राइटर है वो दो मित्रों का विवरण कर रहे हैं, जिसमें से एक मित्र जो है कैंसर से पीड़ित होते हुए जिसकी मृत्यु हो जाती है। ही वॉज अ वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ ऑथर, लेखक का काफी अच्छा मित्र होता है, और आगे शायद उसका नाम होता है। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर से वो पीड़ित होता है और वो चाहता है कि उसकी मृत्यु के बाद लोग उसको जाने। क्या क्या उसके जीवन का विवरण है, क्या क्या उसके साथ घटनाटी हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले द राइटर हैड ए फ्रेंड हुज नेम इज आगा साहिब। बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड्स, आगा साहिब knew that he was not going to live long, he asked the writer to write something after his death. Aga Sahib is suffering from cancer . The writer kept his promise and gives life sketch of Aga Sahib। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में अब तक हमने जो पढ़ा है उसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि मेरे को रफ करना पड़ेगा। तो घाट ऑफ द वर्ल्ड की हमने शुरुआत की, जैसे द राइटर हैड ए फ्रेंड, लेखक का एक मित्र है जिसका नाम आगा साहिद है। लेखक और आगा साहिद दोनों अच्छे मित्र हैं, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। आगा साहिद को अपनी मृत्यु के बारे में, खुद की मृत्यु के बारे में मालूम है,
क्यों? बिकॉज ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, वो कैंसर से पीड़ित है. तो ही आस्क द राइटर, वह लेखक से कहता है टू राइट समथिंग आफ्टर हिज डेथ, कि उसकी मृत्यु के बाद आगा साहिद के बारे में लेखक लिखे ताकि लोग उसके जीवन के बारे में जानें. और इसके बाद में लेखक जो है अपने वादे को रखता है जो उसने आगा साहिद के लिए किया कि ओके आई विल राइट अबाउट यू, मैं आपके बारे में लिखूंगा. एंड गिव्स हिज लाइफ स्केच ऑफ आगा साहिद, और हमें उसके जीवन का विवरण इस चैप्टर में पता चलता है. इसका आगा साहिद, तो देखते हैं आगा साहिद से कैसे लेखक की मुलाकात हुई, कहाँ कहाँ वो साथ रहे और कैसे उनकी मृत्यु हुई, किस दिन उनकी मृत्यु हुई, इन सब का विवरण हमें आगा साहिद के बारे में पता. सबसे पहले बोथ राइटर एंड साहिद हैड स्टडीड एट Delhi University also their time at the university was brief. They had never met. ठीक है, पहली बात लिख लेते हैं, फिर समझाऊंगा. साहिद belongs to Kashmir. And in 1975, he migrated to America where his brother already settled later. Shahid's two sisters also joined them. Shahid used to write poems and collection of his poems were published the writer had read some of these poems
फाइंड हिम वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बट he had never met Sahil, so far. देखिए both writer and author, जो writer है और जो साहिद है वो पढ़ते थे दोनों मिलके काम मिले पढ़े थे काम के दिल्ली यूनिवर्सिटी में. दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने से पहले वो एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे. हालांकि जो लेखक था उसने पढ़ा था some of his poems, जो कविताएं थी वो लेखक ने पढ़ी थी किसकी, साहिद की, जो पब्लिश होती थी क्योंकि साहिद लिखता था पोइम्स को और उसने बहुत सी पोइम्स को लिखा था जो कि छपी थी और उन पोइमों को पढ़ा था किसने, लेखक ने, जिनसे लेखक जो था वो प्रभावित हुआ था. लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने से पहले वो एक दूसरे से कभी भी नहीं मिले थे. ठीक है, दे हैव नेवर मेट, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिले और उनके उनसे पहले पोइम्स इन्होंने पढ़ ली लेखक ने, लेकिन मिला दिल्ली यूनिवर्सिटी में. इसके अलावा साहिद जो है वो कश्मीर से बिलोंग है, जम्मू कश्मीर से. 1975 में वो जो था साहिद अमेरिका चला गया था और वहीं पे बस गया था जहाँ पे उसका भाई पहले से सेटल था रहता था. बाद में जो उसकी दो बहनें थी वो भी उनके साथ रहने लगी आगा साहिद के साथ. ठीक है, टू एंड सम पेंस इन कॉमन वन ऑफ देम पुट द ऑथर इन touch with Sahin between 1998 and 1999. The two had several conversations on phone and even met a couple of times. In February 2000, Sahid had a black out sudden black out The tests results
दैट ही हैड ब्रेन कैंसर. ऑन 7th मे 2000 the writer went to science college where Shahid was employed as a teacher. The writer saw that Sahib was very popular with his students. ठीक है, इसको हम देख लेते हैं, फिर इसको मिटाना पड़ेगा. देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, the two had some friends common, in common. जो दो थे उनके मित्र एक जैसे थे, दोनों के वही मित्रता थी दोनों की. दो कौन, आगा शाहिद और लेखक. ठीक है, one of them put the author's touch with Sahib. उन मित्रों में से कुछ मित्र, जैसे ये दोनों के एक ही मित्र थे, एक ही मित्र थे, जानकारी एक जैसे लोगों से थी. उनमें से एक जो मित्र था उसने जान पहचान कराई किसी लेखक की और आगा शाहिद की, जिसके कारण वो एक दूसरे के नजदीक आए. और 1998 से लेकर 1999 तक उनकी बहुत सी बातचीत हुई किसकी, लेखक की और लेखक के मित्र जिसका नाम आगा शाहिद की थी, उनकी कन्वर्सेशन या बातचीत हुई आपस में किस पे, फोन इत्यादि पे. एंड दे मेट ईच ऑफ कपल ऑफ टाइम्स, कई बार वो एक दूसरे से मिले. फरवरी 2000 में, उन फरवरी 2000 आगा शाहिद वाज सडन ब्लैकआउट. ब्लैकआउट मतलब आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, आंखों के आगे अंधेरा छा गया किसके, आगा शाहिद के. जब उसके जो टेस्ट हुए थे बॉडी के, उन टेस्टों में प्रूव हुआ कि उसको है क्या, ब्रेन कैंसर. ब्रेन कैंसर है आगा शाहिद को पता चला 2000 में. ऑन 7th May 2000, 7 मई 2000 को द राइटर वेंट टू साहिद कॉलेज. जो आगा शाहिद था लेखक उसके कॉलेज में गया, जहां पे साहिद जो था एम्प्लॉय था, कार्यकर्ता था, किसके तौर पे टीचर था, पढ़ाता था. द राइटर वॉज वेरी पॉपुलर विद हिज स्टूडेंट्स. जो लेखक था वो बहुत ही प्रसिद्ध था. जो लेखक था उसने लिखा कि आगा शाहिद जो है वो बहुत प्रसिद्ध है इसमें अपने विद्यार्थियों, यानी कि विद्यार्थी आगा शाहिद को टीचर के तौर पे बहुत ज्यादा पसंद करते. Sahib moved to Brooklyn, New York so that he could be close to his youngest sister. The writer saw that Sahib
राइटर आल्सो लिव्ड few blocks away and the two now met quite often. ठीक है, अगला पॉइंट हमारा ऑन 25th अप्रैल 2001 द राइटर टेलीफोन्ड साहिद टू रिमाइंड him of an investigation him on of an invitation to a friend's house for lunch it was first time that Sahid spoke to the author about his approaching he asked author to write something about him after his death ठीक है तो देखिए शाहिद जो है अगर शाहिद की जब हम बात करें तो इस चैप्टर में आगे चलते हुए पता चलता है कि अगर शाहिद मूव्ड टू ब्रुकलिन न्यूयॉर्क अगर शाहिद जो था वो ब्रुकलिन ब्रुकलिन नाम स्थान पे न्यूयॉर्क में सो दैट ही कुड बी क्लोज टू हिज यंगेस्ट सिस्टर ताकि वो नजदीक रह सके किसकी अपनी छोटी बहन के द राइटर ऑल्सो लिव्ड अ फ्यू ब्लॉक्स अवे लेखक आगा साहिद से कुछ ही दूरी पर रहता था एंड टू नाउ मेट हिम क्वाइट ऑफन जो कुछ बार बार मिलते थे इन 2000 अप्रैल 25th अप्रैल 2001 जो 25 अप्रैल 2001 को लेखक ने फोन किया आगा साहिद को बताने के लिए कि निमंत्रण था उसका एक भोजन मित्र के घर पे भोजन के लिए दोपहर के इट वॉज फर्स्ट दैट लेखक को पहली बार महसूस हुआ कि आगा साहिद जो है वो दुखी है और वो दुखी इसलिए क्योंकि वो मृत्यु के नजदीक पहुंच रहा है और तब उसने लेखक से कहा
he asked author, उसने कहा कि write something about him, कि वो उसके बारे में कुछ लिखे after his death, ताकि लोग उसको जान सके कि क्या क्या उसके जीवन के विवरण थे, किस किस चीज में उनकी रुचि थी। तो उसने अपने जीवन के बारे में लिखने के लिए लेखक से कहा। Sahid was admitted to hospital on 21st May. He had now become very serious, weak, and could hardly stand. The writer met him last on 27th October 2001. At last, Sahib, Aga Sahib, died peacefully in his sleep at 2 a.m. on 8 December 2001. The writer says that he feels a great void without Sahib, he feels amazed that so brief a friendship has resulted in such a vast void. Often when he walks into his
लिविंग रूम रूम ही रिमेंबर्स साहिब्स प्रेजेंस देयर। देखिए जो साहिद है वो एडमिट हुआ, आगा साहिद जो थे एडमिट हुए हॉस्पिटल में 21 मई 2001 को। ही हैड बिकम वेरी वीक एंड कुड हार्डली स्टैंड। जो सागर साहिद थे वो कैंसर से पीड़ित थे, इतने ज़्यादा पीड़ित हुए कि उन्हें 21 मई 2001 को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और वो काफ़ी कमज़ोर सर महसूस कर रहे थे और खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। द राइटर मेट लास्ट ऑन 27 अक्टूबर 2001। लेखक अंत में मिला, लेखक लास्ट बार मिला था 27 अक्टूबर 2001 को आगा साहिद को। एट लास्ट आगा साहिद डाइड पीसफुली। और आगा साहिद की मृत्यु हुई कब? 8 दिसंबर 2001 को सुबह 2 बजे। ठीक है, द राइटर सेज दैट। अब लेखक को जो है कमी महसूस होती है जीवन में, कमी महसूस होती है किसकी? जैसे लेखक ने यहाँ पे बताया, द राइटर सेज दैट ही फील्स ग्रेट वाइड, कमी महसूस हो रही है विदाउट साहिद, बिना साहिद के सच साहिद के। और ही फील्स अमेज्ड, लेखक को हैरान महसूस होता है दैट सो ब्रीफ फ्रेंडशिप हैज रिजल्टेड इन सच ए वास्ट वाइड। कि भाई इतनी छोटी मित्रता थी, ज़्यादा समय तक वो एक साथ नहीं रहे, थोड़े समय के साथ रहे, लेकिन उनकी मित्रता गहरी रही और इतनी गहरी बनी कि थोड़े समय में भी अब भी लेखक को उसका ये लगता है कि भाई बहुत से समय से उसको जानते थे और उसकी कमी महसूस करते हैं आगा साहिद की। सो ओफन वेन ही वॉक्स इन टू हिज लिविंग रूम ही रिमेम्बर्स साहिद प्रेजेंस देयर। लेखक को आगा साहिद की इतनी कमी महसूस होती है कि जब वो उसके कमरे में चलते हैं जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आगा साहिद अब भी उनके कमरे में ही है। तो इस तरह से जो लेखक था उसने आगा साहिद को जीवित रखा, उनकी मृत्यु के बाद भी लोगों को उनके बारे में जानकारी मिली। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर का ब्रीफ स्केच था, द घाट ऑफ द वर्ल्ड का। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यदि कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद।